हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक संस्था है जिसका नाम है सीएसओ, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने एज यूजुअल अपनी फोर्थ क्वार्टर की रिपोर्ट रिलीज कर दी है, जहां पर हमें देखने को मिला है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अपने 11 साल में, अपने पास्ट 11 ईयर में सबसे ज्यादा कम रिकॉर्ड किया है और वो डेटा 4.2 पे आ गई है। अगर इस क्वार्टर के बारे में बात करें तो फोर्थ क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है वो 3.1 पे आ गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय हो गया है। तो इस ग्रोथ की जो स्लो डाउन हुई है उसके पीछे एज यूजुअल रिस्पॉन्सिबल रीजन कोरोना वायरस ही हो जाएगी, कोविड-19 ही हो जाएगी। लेकिन यहां पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करने की जरूरत है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फटाफट देखना शुरू करते हैं हमारी क्या कुछ है चीजें, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल पढ़ा होगा जहां पर यह बताया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन टू एन 11 ईयर लो ऑफ 4.2% इन 2019-2020 अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन फ्राइडे। ये डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था इस बार का जीडीपी 8.5% होने को, लेकिन ये अपने हाफ से भी कम हो गया है, मतलब 4.2 निकल करके आ गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ह्यू एंड क्राई सिचुएशन हो गई है। ये दिक्कत केवल और केवल सीएसओ के डेटा के कारण से नहीं है, बल्कि हमारे जो इकोनॉमिक स्लोडाउन बिफोर दिस प्रायर टू कोविड 19 जो चल रही थी उसके कारण से भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें बेसिकली देखने को मिल गया है हमारे इस कोविड 19 के प्रॉब्लम के कारण से। तो फिलहाल आप देखेंगे तो आपको एक इस तरीके का कर्व देखने को मिलेगा जहां पर बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दो के बारे में बात की गई है। रियल जीडीपी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एक बेस ईयर के बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा होता है, जहां पे बेस ईयर 2011-2012 रखी गई है। हालांकि इस बेस ईयर पे कई सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जो कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार के दिखाई गई है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। जो भी है, 11-12 के डेटा को अगर लेकर के चलते भी हैं अगर, तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ जहां हम कहीं इस जगह पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, 8.5 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमें बेसिकली जो रिपोर्ट देखने को मिली है वो नियर अबाउट 4.2 देखने को मिली है इस पॉइंट पे। तो इस तरीके से हमारी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हमें इस बार एक्चुअल से कम देखने को मिली है। सिमिलरली अगर नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी अपने लास्ट ईयर से केवल कंपेयर करती है, मतलब कि ये इन्फ्लेशन की अमाउंट को, इन्फ्लेशन की रेट को भी काउंट ले रही होती है। इन्फ्लेशन के साथ अगर बात करें तो हम लोगों ने इस बार एक्सपेक्ट किया था हमारे नॉमिनल जीडीपी को 12 से 12.5% के नियर अबाउट में, लेकिन हमें जो डेटा मिला है वो डेटा हमें 7.5% या नियरली 7.2% का हमें देखने को मिला है, जो कि अगेन अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है, जहां पर इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, नॉमिनल जीडीपी भी कम हो रही है, रियल जीडीपी भी कम हो रही है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन अब फील करना शुरू कर दी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट ये हमें सामने आई है कि हमारी जो कंजम्पशन डिमांड है वो भी घट गई है, लेकिन वो केवल और केवल स्लो डाउन ही है। लेकिन अगर बाकी कंपोनेंट के बारे में बात करें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया और जो एक्सपोर्ट हो गया, ये एक्चुअल में हम लोग निगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। निगेटिव ग्रोथ होने के कारण से ना सिर्फ ये केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये नुकसान पहुंचाएगा, उसको इंपैक्ट करेगा, बल्कि हमारे इकोनॉमी की जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको भी काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो नियर फ्यूचर हम एक्सचेंज रेट में भी काफी ज्यादा रुपी का डिवैल्यूएशन देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय बन सकता है। ये जो सारी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है ये हमारे बताई गई ENY के इकोनॉमिस्ट के द्वारा, DK श्रीवास्तव के द्वारा बताई गई है। अगर हम लोग डेटा के ओरिएंटेड बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट ने इस बार जो टैक्स रिवेन्यू बेसिकली जो कलेक्ट किया है वो लास्ट ईयर से 3.4% पे कलेक्ट किया है। इनफैक्ट जो रिवाइज डेटा आया है वो ये बता रहा है कि अधिक से अधिक कलेक्शन 3.8% का ही पॉसिबल है, कलेक्शन बाकी पॉसिबल नहीं है।
यानी अगर सरकार के पास पैसे ही नहीं पहुंचेंगे, सरकार के पास ही अगर मान लीजिए कि रिवेन्यू नहीं कलेक्शन हो रहा होगा, तो अपने आप में यह दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि अब गवर्नमेंट या तो लोन ले रही होगी जिससे कि गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी मेंटेन हो पाए, या फिर टैक्स जो रेट होती है वो टैक्स रेट भी बढ़ाया जा सकता है जैसा कि ग्रीस में किया गया था। लेकिन ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है क्योंकि लोगों के पास भी अपनी सेविंग नहीं बची है। तो अगर टैक्स में बढ़ोतरी की जाती है, अगर टैक्स रेट इंक्रीज किया जाता है, तो हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकते हैं जस्ट लाइक जैसे ग्रीस गया हुआ था। तो हम लोग टैक्स रेट पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लोन ले सकते हैं या फिर हमारी जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर हम आरबीआई से लोन ले सकते हैं। हालांकि एक लास्ट ऑप्शन और भी होता है कि आरबीआई को बोल दिया जाए कि पैसे प्रिंट करने को, न्यू नोट्स प्रिंट करने को, बट ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं होती है, इसलिए कभी भी नोट की प्रिंटिंग नहीं करते, अदरवाइज इन्फ्लेशन की बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इन सबका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बेसिकली 4.6% पे नियर अबाउट पहुंच गया है। हालांकि हम लोगों ने टारगेट किया था, एनके सिंह कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने टारगेट किया था कि हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे कम करके 3.2% और फिर 3% पे ले आ देना चाहिए था। हालांकि एक्सटेंड कर दिया गया है 24-24 के लिए 3%, लेकिन फिर भी हमारी जो फिस्कल डेफिसिट थी वो इस बार 3.4% ले आनी थी, लेकिन ये बढ़ करके 4.6% पे चली गई है, जो कि अगेन एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जा सकेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकेगा, या इन शॉर्ट अगर कहा जाए जो ये इकोनॉमिक साइकिल है वो इकोनॉमिक साइकिल ही कहीं ना कहीं रप्चर कर जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट केवल और केवल हमें ग्रॉस रिवेन्यू टैक्स में नहीं बल्कि हमारे लॉकडाउन के कारण से जो हमारा कोर सेक्टर है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी जो कोर सेक्टर्स है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्शन कोविड के प्रॉब्लम से नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बहुत पहले से ही झेल रहे थे क्योंकि हमारा जो लास्ट मंथ की, इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर थी, वहां पर भी हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो 8 कोर सेक्टर्स की होती है वहां पर भी हमें एक डिक्रीज, एक फॉल डाउन देखने को मिला था, जो कि अगेन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आगे क्रिएट करने की बात हमें सामने देखने को मिल सकती है। डेटा ओरिएंटेड बात किया जाए तो देखिए ये कुछ टेबल है जहां पर आपको जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाया गया है। 2012-2013 में देखेंगे तो देखिए जीडीपी 5.5% थी और लगातार ये देखिए इंक्रीज करते जा रही है 2016-2017 तक। 2016-2017 के बाद से एक डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है और एक जीडीपी ग्रोथ रेट में हमें डिक्रीज देखने को मिली है 7.1%, फिर उसके बाद 6.1% और देखिए ये तो अपने आधे से भी कम हो गई और 4.2% पे निकल के आ गई है। हालांकि ये जो डिक्रीज देखने को हमें मिला है, इस डिक्रीज को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। जो हमारी इंडियन जीडीपी है वो एक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि हमारी जो जीडीपी है वो कुछ इस तरीके से एक कर्व फील कर रही होती है, कर्व जो होती है वो शो कर रही होती है, इकोनॉमी कभी अप हो रही होती है, इकोनॉमी कभी स्लो डाउन हो रही होती है। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में इस पूरे सक्सेसिव साइकिल की जो लेंथ बताई है वो 13 क्वार्टर बताई है कि मतलब 13 क्वार्टर के बाद हम लोग इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट हम लोग अपने इंप्रूवमेंट के टाइम पर भी थे, इंप्रूवमेंट के लास्ट मंथ में चल रहे थे, लेकिन कोविड शॉक आ गया और इस कोविड शॉक के कारण से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा कम रिकॉर्ड की गई है। इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, इन तीनों के सेक्टर को अगर देखा जाए और तीनों के सेक्टर को क्वार्टर वाइज देखें तो देखिए एग्रीकल्चर लगातार बूम पर है, एग्रीकल्चर लगातार अपना इंप्रूवमेंट शो किए जा रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्शन में हमें निगेटिव ग्रोथ इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि आगे इन द नियर फ्यूचर हमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज जो एग्रीकल्चर आज के टाइम पे इकोनॉमी को बचा के सस्टेन करके रखा हुआ है वो पूरी तरीके से क्रिपल डाउन कर जाएगी। इनफैक्ट अगर एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करें तो देखिए यहां पर कुछ हमें और भी डेटा देखने को मिल रहा है। जैसे क्वार्टर वन में अगर एस्टिमेट्स के बारे में बात करें तो देखिए एस्टिमेट हम 5% का लगाए हुए थे, लेकिन एक्चुअल में हमें 5.2% ही अचीव होता है, यानी कि
और इनफैक्ट क्वार्टर टू में आप जब देखेंगे तो 5.1% हमने एक्सपेक्ट किया था, 4.4% हम अचीव कर रहे थे। यानी कि हम यहां से एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जब भी एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालती है, एस्टिमेशन निकाल रही होती है, तो काफी ओवर एस्टिमेटेड डेटा लेकर के चल रही होती है। और इस ओवर एस्टिमेशन के बाद हमें जो प्रोविजनल डेटा मिल रहे होते हैं वो काफी ज्यादा कम मिल रहे होते हैं। ये डेटा देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये फर्दर कई सारे कैलकुलेशन में यूज किया जा रहा होता है। तो फर्दर जो कैलकुलेशन यूज की जाती है उसके अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज डिपेंड कर रही होती हैं। अगर इन प्रोविजनल डेटा को सही तरीके से नहीं लगाया जाए, नहीं निकाला जाए, जो हमारी एस्टिमेट है वो सही तरीके से नहीं की जाए, तो हमारी जो पॉलिसीज होती हैं वो आगे जाकर के फेल हो जाने की काफी ज्यादा उसके भी चांसेस हो रहे होते हैं। अगर हम लोग देखें कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं हमारे इस स्लो डाउन के कारण से, तो वन बाई वन करके अगर डिस्कस करें तो सबसे पहली तो COVID-19 लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन के कारण से ना तो मैन्युफैक्चरिंग हो पाई है और ना ही कंज्यूमर अपने सामान को कंज्यूम कर पाए हैं, मतलब खरीद पाए हैं। तो यहाँ जो इकोनॉमिक वैक्यूम क्रिएट हुई है उस वैक्यूम के कारण से, इतने लंबे लॉकडाउन पीरियड के कारण से काफी ज्यादा हमें इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिए निगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है, शो कर रही है, जो कि अपने आप में ये बता रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा गिर गई है। इस प्रोडक्टिविटी को वापस से रीमेंटेन करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है और ये काफी ज्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन को प्रॉब्लमेटिक बना सकती है। इसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है आईआईपी के बेसिस पे अगर देखें तो लगातार अपने पास्ट कुछ सक्सेसिव क्वार्टर से हमें अगेन यहां पर भी निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, जो कि अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। और साथ में हमें तो पता ही है कि जो हमारा इंडिया का ग्रोथ साइकिल है वो भी अपने लास्ट मंथ में था, मतलब कि निगेटिव ग्रोथ रेट के लास्ट मंथ में था और अब ये अपने पॉजिटिव साइड में, मतलब ये अपने अपवर्ड शिफ्ट लेने वाला था, बट अगेन एक कोविड शॉक आ गई और इस कोविड शॉक के कारण से हमारा जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो और ज्यादा स्लोडाउन चला गया और ज्यादा अपने डिपेंड पोजीशन में चला गया। लेकिन अगर हम लोग देखें कि क्या कुछ देखा जा सकता है, इज देयर एनी होप, तो देखिए देयर इज अ होप। इनफैक्ट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला भी है कि देखिए सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर और जो हमारे यहाँ का माइनिंग सेक्टर है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर सेक्टर, इन सेक्टर ने अभी भी अपना पॉजिटिव ग्रोथ रेट शो किया है, जो कि 5.9% और 5.2% से हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और हमें पता है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर ये दोनों भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहे होते हैं, तो काफी अच्छी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है इन नियर फ्यूचर अगर हम इन दोनों सेक्टर पे और ज्यादा फोकस करते हैं तो। इसके अलावा देखिए हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुई है, निगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है, लेकिन साथ में हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस है, अदर सेक्टर्स है, ये ग्रो किए हुए हैं 10.1%। सो अगेन देयर इज अ होप कि आगे जाकर के इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग करा के, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके हम इन सेक्टर को वापस से रिवाइव कर सकते हैं, वापस से इनको पटरी पर ला सकते हैं। फोर्थ क्वार्टर की रिपोर्ट ये कहती है कि देखिए सक्सेसिव 44 क्वार्टर्स हाउएवर स्टिल फास्टर देन 2.2 पेस। जैसे क्या है कि बाकी के कंट्रीज में अगर देखा जाए तो वहां पर जिस तरीके की इकोनॉमिक क्रिपल डाउन, इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें देखने को मिली है, उस हिसाब से इंडिया अभी भी काफी अच्छे पोजीशन में है। इनफैक्ट इंडिया को बोला जा रहा है कि 2.2% से अभी ये हायर ग्रोथ पे है, यानी कि ये फास्टर ग्रोथ अभी भी कर रहा है। तो हमें इस सिचुएशन को और बना करके रखनी पड़ेगी। इंडिया की सिचुएशन अभी पूरी तरीके से खराब नहीं हुई है, बस इसको अभी बचाया जा सकता है, तो इसको बचाने की कोशिश करनी होगी। एग्रीकल्चर का डेटा अगर देखें तो देखिए एग्रीकल्चर का डेटा हमें ये शो कर रहा होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो भी देखिए बढ़ी हुई है, जो हमारी वाटर की इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी 60.7% हो गई है, लास्ट ईयर से देखेंगे तो नियर अबाउट डबल सी हो गई है। अगर हम प्रोडक्शन वाइज देखें तो प्रोडक्शन भी हमारी लगातार बढ़ती हुई मिली है। इनफैक्ट अगर सोइंग एरिया देखें तो वो भी हमें बढ़ता हुआ मिल रहा होता है। अगर हम लोग प्रोक्योरमेंट देखें तो देखिए 2019 में हमें 34 मीट्रिक टन अगर हमें प्रोक्योरमेंट हो रही थी तो हमारी आज की टाइम में बढ़ी हुई मिल रही है। फर्टिलाइजर में अगर बात करें तो सिमिलरली यहां पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है
वो अभी कोविड शॉक से रिजिलियंट है, उसको कोई फर्क नहीं ज्यादा कुछ खास पड़ा हुआ है, वो अपना सेक्टर जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे स्टेट ने यूनिफॉर्म लाइसेंस लगा दिया है कि हाँ आप डायरेक्ट परचेज जाकर के कर सकते हैं। एपीएमसी एक्ट में कई सारे चेंजेस कर दिए गए हैं जिसके कारण से नाउ फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द जो भी सेलर्स हैं या जो भी बंदे हैं उनको बेच सकते हैं। सिमिलरली कई सारे स्टेट ने तो अपने वेयर हाउस, स्टोरेज हाउस ये सब भी प्रोवाइड कर दिए हैं किसानों को कि आप आकर के यहाँ पर अपने सामान को बेच सकते हैं, यहाँ पर अपने सामान को रख सकते हैं। इनफैक्ट इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि स्टेट जितने भी हैं, जो भी एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत ज्यादा ही रिजिलियंट है, बहुत ज्यादा ही उनको फेवर कर रहे हैं क्योंकि वही एक सेक्टर ऐसा है जो लोगों को एक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें कुछ डेटा ओरिएंटेड, तो एग्रीकल्चर का अगर डेटा देखेंगे तो जीडीपी में लगातार गिरता हुआ पाया गया है। मतलब 1960 में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का डेटा हुआ करता था 41.3% से, लेकिन 2018 तक आते आते यह डेटा गिर करके 14.6% हो गया है। लेकिन हम लोग इन नियर फ्यूचर इस डेटा को, इस जीडीपी के कंट्रीब्यूशन को बढ़ता हुआ देख सकते हैं क्योंकि बाकी के जो सेक्टर्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गई या सर्विस सेक्टर हो गई, ये कम रिकॉर्ड इस बार करेंगे, इस बार डेटा कम रिकॉर्ड करेंगे। इनफैक्ट इन नियर फ्यूचर वी कैन सी कि हमारा जो ये बीच वाला मिडिल सेक्टर है या फिर कह लीजिए कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये निगेटिव ग्रोथ रेट अगर शो कर रहा है तो सर्विस और एग्रीकल्चर ये दोनों पॉजिटिव ग्रोथ रेट शो कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वाइज अगर बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर की जो एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी वो पहले 2000 में 59.7% हुआ करती थी, जो घट करके 39.4% पे चली आई है। हालांकि ये चीज हमें आगे फिर से देखने को मिल सकता है, एक थोड़ा मोड़ा चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। फिर भी खैर हमारी मनरेगा की स्कीम है जहां पर मैक्सिमम जितने भी लेबर्स थे वो मनरेगा में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, तो अभी भी हालांकि एम्प्लॉयमेंट में कुछ खास चेंजेस तो देखने को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन में तो काफी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है इन नियर फ्यूचर। लास्ट में क्या कहा जा सकता है कि आखिर में क्या हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है, तो पहले अगर फ्यूचर से पहले थोड़ी सी एक स्टेप पहले बात करें तो हमारी जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो भी वाइंड अप हो गई है। वाइंड अप होने का मतलब कि अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है ड्यू टू दिस शटडाउन। इसके अलावा लेबर माइग्रेशन भी हो गया है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, वहां से मजदूर वापस आ गए, मजदूर माइग्रेट कर गए हैं और ड्यू टू देयर कंडीशन, जो भी सीवियर कंडीशन के थ्रू वो गुजरे हैं, मुझे नहीं लगता या इनफैक्ट ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मजदूर वापस रिलोकेट किए जाएंगे अपने इंडस्ट्रियल एरियाज में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारे डिमांड कॉन्ट्रैक्शन भी हमें देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट भी हमें कम होती हुई देखने को मिली है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है ये पूरा स्ट्रेच कर गया है। स्ट्रेच करने का मतलब है ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही एक्सपोर्ट हो पा रहा है, जिसके कारण से ना ही कंजम्पशन डिमांड जनरेट की जा पा रही है, पैसा आ पा रहा है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर इसमें काफी ज्यादा मिसमैच हो रखा है। लेकिन हमारे डॉक्टर पंत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वापस से इस गवर्नमेंट की जो ग्रोथ इंजन है इसको हम लोग रिवाइव कर लेंगे 2020-2021 के बाद, हम लोग इसको वापस से रिवाइव कर लेंगे 2021 के दौरान में हमें एक ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स रिलेटेड, क्या कुछ चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन, कोई क्वेरी होती है तो आप recognition.ias के ईमेल आईडी पर recognition.ias@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।